तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्स एस और टी का ग्राफ है, तो इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप जो होती है, जैसे मान लो ये स्लोप है, थीटा है, तो स्लोप जो है डी एस ओवर डी टी, ये क्या देता है, स्पीड देती है, ठीक है ना, स्पीड देगी, अगर समझ रहे हो। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो जो पहला वाला है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, तो अगर सी ऑप्शन करोगे तो स्पीड भी, और अगर तुम देखोगे साइन के साथ एक कंसीडर करोगे, तो यहाँ पर तुम देखोगे साइन के साथ कंसीडर करोगे तो टेन थीटा जो स्लोप है डी एस ओवर डी टी वो कांस्टेंट है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ से स्पीड या मैं वेलोसिटी, अगर स्लोप कांस्टेंट है, समझ रहे ना, तो स्लोप कांस्टेंट है तो ये इस, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो या तो एक्सलेशन जीरो होगा, और स्पीड कंसीडर करेंगे तो एक्सलेशन कांस्टेंट होगा बट मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा ना, अगर वेलोसिटी है तो जीरो है तो एक्सलेशन या तो जीरो होगा या तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, तो सी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। बी की बात करो, बी में स्लोप धीरे धीरे, इधर से मैं इधर जा रहा हूँ तो स्लोप कम हो रहा, थीटा कम हो रहा, टेन थीटा कम हो रहा, तो भी स्पीड भी कम हो रहा होगा, टेन थीटा की वैल्यू कम हो रही होगी, कम हो रहा ना टेन थीटा, तो एक्सलेशन कम हो रहा, रिटार्डेशन है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से देखोगे तो एक्सलेशन जीरो है, क्योंकि डी इधर से भी एक्सलेशन जीरो है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो एक्सलेशन जीरो है, और यहाँ से इधर जाओगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्लोप टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से स्पीड जो है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सलेशन भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्पीड तभी बढ़ सकता है जब एक्सलेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, तो ए ऑप्शन सही है।